हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कल तक मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 के सवालों को बता दिया था और मैंने उनसे ए इनवर्स निकालना सिखा दिया, सेकंडज निकालना सिखा दिया, सेकंड निकालना सिखा दिया, इसके अलावा जो प्रमेय थी उनका यूज करना सिखा दिया है ना, इसके अलावा जो समीकरण की सहायता से जो ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है उसको भी मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन था मैंने नवा बताया था आपको, नवे में मैंने आपको बता दिया था थोड़ा सुधार है, 17i कर लें उसको आप, 17i ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 17i बराबर 0 को संतुष्ट करता है, तत्पश्चात ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आपके बहुत सिंपल सवाल हैं। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ सारणिकों के अनुप्रयोग में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसमें तीन छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको आप आज समझेंगे। तो पहला पॉइंट होता है सारणिकों का, एक त्रिभुज के शीर्ष x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3 हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 23/31 बार है। खूब पढ़ते चले आ रहे हैं, शॉर्टकट विधि है ये, 1/2 x1 के साथ में 23 आता है, by 2 माइनस by 3 प्लस x2 के साथ में 31, by 3 माइनस by 1 और x3 के साथ में 12, 1/2। तो ये हम पढ़ने का अपना शॉर्ट तरीका होता है, ये शॉर्ट तरीका है 23, 31 और 12, इससे हम बच्चों को याद करा देते थे, ठीक है। ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पता आपने कैसे पढ़ा है, लेकिन मैंने जो अपना आउटलुक है वो मैंने आपको बता दिया। तो 23, 31, 12 में बिल्कुल ध्यान, x1 23 के साथ लगा दो, x2 आप 31 के साथ लगा दो और x3 12 के साथ लगा दो, बन जाता है। तो इसको सारणिक के रूप में हम यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, और देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल हम अपनी बुक में तीन प्रकार से ज्ञात करेंगे और आप कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। जब ये 2D में दिया जाए, 2D में दिया जाए तो सारणिकों की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और 3D में दिया जाए तो आपका सदिश के, ठीक है ना, सदिश वाला सूत्र लगेगा। तो ये हमें पहचान करनी होती है। और इसके अलावा एक और आएगा, वो 2D में आएगा, वो हमारा आएगा 11वें चैप्टर में, ठीक है। 11वें चैप्टर में क्या आएगा, क्षेत्रकलन में, क्षेत्रकलन में कर्वेचर में क्या होता है कि उसमें कहेगा कि इनके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र, तो उसमें हमारा ये त्रिभुज वगैरह बनता है इस तरीके से और ये त्रिभुज आ गया तो इनके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये वो उसमें घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछता है। तो इस तरीके से तीन क्वेश्चन आते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के। अब कन्फ्यूज मत होना, 3D में दिया जाए तो वेक्टर का लगता है, 2D में दिया जाए तो ये लगेगा, और क्षेत्रकलन में पूछा जाए तो वो वाला सूत्र लगेगा। तो इसको सारणिक के रूप में कैसे पढ़ते हैं ये याद करना है, ये फॉर्मूला है, इसको याद करेंगे, 1/2 x1 by 1 1, x2 by 2 1 और x3 by 3 1, ये हमारा सूत्र है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब हमने लिखा नोट, त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए क्षेत्रफल ज्ञात करते समय सारणिक का मान सदैव धनात्मक ही लेना चाहिए, हमेशा और हमेशा आपको कैसी वैल्यू लेनी होगी, धनात्मक, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ऋणात्मक यदि आ भी रही है तब भी हम उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे क्षेत्रफल की बात में, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल लिया और इस एग्जांपल की सहायता से, बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो आप देखें इसमें तीन बिंदु दिए गए, ए बी और सी, ठीक है। तो हम सीधे आएंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, यानी कि डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। तो यहां पर हम पहले सूत्र लिख लेंगे, इस सूत्र में हम लिख लेंगे अपने, ये x1 by 1 है, ये x2 by 2 है, मैं इंगित कर दे रहा हूँ x2 by 2 और ये x3 by 3, तो इनके मानों को पुट कर दें, तो ये हो गया -3, 3 और 1, ये हो गया 2, 3, 1 और ये हो गया 2, -2 और 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ संक्रिया का प्रयोग नहीं करना, सीधे R1 के अनुदेश प्रसरण कर दें, R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, क्या करने पर, प्रसरण करने पर, तो डेल इज इक्वल टू 1/2 और यहां प्रसरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, आपको पता है यहां कौन सा चिन्ह होता है, प्लस माइनस प्लस, पूरा वैसे ही करना है, तो 3 इधर आ गया तो 3 बन जा, 3 माइनस के 2, 3 प्लस 2 -3, ये -3 हो जाएगा, ये और ये 2 एकम 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा और +1, 1 में क्या आ जाएगा, तीसरी
पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दो दूना चार माइनस के चार और तीन दूनी छः, माइनस के चार माइनस के छः, तो यहाँ से ये हो जाएगा वन अपॉन टू और ये बन जाएगा तीन और दो पाँच माइनस के फिफ्टीन माइनस के जीरो और ये हो जाएगा माइनस के दस। तो डेल इज इक्वल टू वन अपॉन टू कितना आ गया माइनस के पच्चीस, ठीक है। डेल इज इक्वल टू माइनस के बारह पॉइंट फाइव वर्ग मात्रक, अगर लिखना चाहें तो वर्ग मात्रक ही इसका आएगा, लेकिन चूंकि यह चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव कैसा होता है धनात्मक, सदैव धनात्मक लिया जाना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो इसलिए डेल इज इक्वल टू 12.5, ठीक है, यही इसका वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक आपका उत्तर होगा, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। बोलो भाई सभी की समझ में आ गया, तो यहाँ पर उत्तर हमेशा धनात्मक राशि में देना होगा चाहे भले ही ऋणात्मक आ रहा हो, तो ये कहलाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको सीधे बिंदु दिए जाएंगे, सीधे सूत्र में रखने और कुछ भी नहीं करना। तो ये अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ये अपना पहला टॉपिक था, अब हम आपको ये नोट डाउन करेंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। दूसरा टॉपिक क्या होगा, त्रिभुज के यानी कि बिंदुओं को संरेखीय होने का प्रतिबंध, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट है हमारा तीन बिंदुओं के संरेखीय होने का प्रतिबंध। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, यदि तीन बिंदु x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3 कैसे हैं, संरेखीय हों, एक रेखा में हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अवश्य ही शून्य होना चाहिए। तो एक बटे दो ये पूरा हमने जीरो बराबर रख दिया, इससे ये निष्कर्ष निकला ये एक बटे दो जीरो में चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, अगर वो संरेख हों तो, यदि वो संरेख हैं तो जीरो के बराबर रख दिया जाएगा और x का मान या जो भी होगा निकाल लिया। या वो पूछता है सिद्ध कीजिए ये तीन बिंदु संरेख हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख दीजिए पहले वाले में और जीरो सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट के बात है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एग्जांपल दो, मतलब नंबर मत डालो, चलो तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि बिंदु बिंदु ए तीन कॉमा माइनस दो, बी 5.2 और सी 8.8 कैसे हैं, संरेख हैं, ये सिद्ध करना है कैसे हैं, संरेखीय हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें रखेंगे, दोनों में अंतर होता है, 1/2 एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन और एक्स थ्री वाई थ्री वन, ठीक है। चलिए 1/2 और यहाँ रख दो, तो यहाँ हो गया 3 माइनस 2 1, 5 2 1, 8 8 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, वही प्रसरण, ठीक है। तो R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, क्या करने पर, प्रसरण करने पर, तो 1/2 तीन और ये दो एकम दो माइनस आठ, माइनस माइनस प्लस दो, ये आ जाएगा 5 एकम 5 माइनस आठ प्लस 1 8 40 और माइनस 16, ये आ गया। चलिए इसको डेल इज इक्वल टू 1/2 हल कर लेते हैं, ये कितना आ गया माइनस 6 माइनस 18 और ये हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 24। देखो ये सब क्या हो गए, कट गए, क्या बचा जीरो, इसलिए क्या प्रूफ हो गया, डेल इज इक्वल टू जीरो, अर्थात संरेखीय हैं तीन बिंदु जो दिए गए हैं, वो कैसे हैं, संरेखीय हैं, अतः सिद्ध होता है ये तीन बिंदु संरेखीय हैं। अगर वो यूं कहता कि ये तीन बिंदु दिए गए और कोई अननोन वैल्यू आ जाए, के दे दे, ए दे दे, पी दे दे, एक्स दे दे, तो आप क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, फिर उसका हल करेंगे और मान ज्ञात करेंगे। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, नोट डाउन कर लें। हाँ जी देखें, तीसरा बिंदु क्या होता है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। सबसे पहले बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरी बात में बताया, दूसरी बार में संरेखी का, और तीसरी बार में जो बताने जा रहा हूं वो है रेखा का समीकरण, ठीक है। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो यदि दो बिंदु ए x1 y1 b x2 y2 हैं तथा
इन इस रेखा पर एक बिंदु P मान लिया हमने AB से गुजरने वाली रेखा पर स्थित है P बिंदु जिसके निर्देशांक x, y है। तब क्या होगा जब एक ही रेखा पर होंगे तो PAB क्या होगा PAB A तथा B संरेखीय होंगे APV संरेख होंगे। तो संरेख होने की कंडीशन क्या होती है वो हमने लगा दी। हम चाहे XY को ऊपर लिख लें चाहे यहाँ लिख लें चाहे यहाँ लिख लें दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। तो अब हमारे जो बिंदु हैं वो X1 Y1 के मान रख दो तो इसमें हाँ सॉरी अभी मान नहीं रखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताएंगे ठीक है। जो यहाँ लिख दो जो रेखा का अभीष्ट समीकरण है क्या है जो रेखा का अभीष्ट समीकरण है। अच्छा बिंदु क्या क्या है वो लिख लेते हैं। बिंदु हैं ए 3.1 बी तथा बी 9.3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ठीक है। ठीक है भैया तो यहाँ से रख दें समीकरण क्या होगा X1 Y1 1 X2 Y2 1 XY1 = 0। तो हमने यहाँ पे मान रखा X का मान हो गया 3 1 1 9 3 1 XY1 = 0। क्या कर दें R1 के अनुदेश प्रसरण बस आ जाएगा तो प्रसरण कर दें तो ये हो जाएगा 3 ये और ये गया और ये गया 3 माइनस वाई और -1 ये आ गया तो 9 माइनस एक्स प्लस वन आएगा 9 वाई -3 एक्स = 0 9 माइनस 3 वाई -9 और +x + 9y -3x = 0 ये कितना हो गया 9 और 3 6y और यहाँ हो गया x और 3x -2x इस 9 से ये 9 कट गया ठीक है और = 0 मेरे हिसाब से तो यही बचा। तो यहाँ से 2 का भाग लगा दें 3y -x = 0 या हम लिख सकते x बराबर 3y कैसे भी लिख लो 3y माइनस रेखा का अभीष्ट समीकरण रेखा का अभीष्ट समीकरण होगा समीकरण है ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको दो बिंदु दिए जाएं तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण इस तरीके से संरेख के उसमें रख देंगे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपके ये तीनों टॉपिक जो छोटे छोटे थे वो आज मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब मेरी बात सुनो इसमें रैखिक समीकरण निकाय आ रहा है तो मैं इसको आज नहीं कराऊंगा आज मैं आपको पहले इसी के सवाल करा रहा हूं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 108 आपको बता दें पेज नंबर 108 ठीक है। इस पेज पे आएंगे यहाँ कई सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 के 1 से लेकर के और कहाँ तक 1 से लेकर के 6 तक आपके यही प्रश्न है। तो मैं आपको बताऊँ उदाहरण 6 से आएंगे कहाँ से उदाहरण 6 से तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे उदाहरण 6 से फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो दो सवाल मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। एक तो क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि शीर्ष दिए गए हैं अभी याद कराया मैंने तीन शीर्ष दिए जाएं तो सीधे 1/2 x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1 में रख दें संख्यात्मक मान आपका जो भी आएगा नेगेटिव आए तो पॉजिटिव लिख देना आपका हो जाएगा। सातवें में ये हम आपको अभी समझा दे रहे हैं ये समझा दो या नीचे वाला समझा दें एक ही बात है ठीक है। तो सातवां और आठवां एक से ही हैं वो कह रहा है कि ये जो बिंदु हैं वो संरेख हैं ठीक है संरेख हैं और तो x का मान ज्ञात कीजिए तो इसमें हम क्या करेंगे 0 के बराबर रख देंगे। तो देखो इसमें x माइनस 2 5.2 और 8 संरेख हैं तो देखो x1y1 1 x2y2 1 और x3y3 1 इन दोनों में दिया गया है ठीक है ना। फिर भी हम बता देंगे आप इसको नोट डाउन कर लें पहले हाँ जी देखेंगे
पेज नंबर 108 मैं पहले आपको जो पढ़ाया है उसी टॉपिक से संबंधित पूरा कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद मैं क्रेमर नियम पे आऊंगा। ठीक है, इस लेक्चर में क्रेमर नियम नहीं बताऊंगा, अगले लेक्चर में ही क्रेमर नियम की बात करूंगा। तो यहां पर बिंदु दिए गए हैं तीन, और वो कह रहा संरेक हो तो, पहले से ही संरेक हो तो चूंकि हम जानते हैं कि तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, ये होता है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है, और is equal to 0। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x -2 1 5 2 1 8 8 1, ठीक है, ये बन जाएगा और is equal to 0, 0 के बराबर रखना होगा, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम प्रसरण R1 के अनुदिश प्रसरण तो कर दो, तो x ये और ये 2 * 2 - 8 -2 ये और ये 5 - 8 और +1 5 * 8 = 40 और -8 * 2 = 16 यहाँ से हो जाएगा -6x ये -3 * 6 और यहाँ से होगा +24 is equal to 0 -6x +18 = 0 यहाँ हो जाएगा आपका या करके -6x - 18x = 3 देख लो एग्जैक्टली आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले सवाल की, इसमें थोड़ा सा अलग कह दिया, उसने कहा ये तीन बिंदु हैं और ये संरेख हैं अर्थात जीरो लाना है, तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे अब की बार, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 इस वाले में रखें क्योंकि संरेख सिद्ध करना है, तो del 1/2 बहुत सरल है आपको लग रहा होगा देखने में, BC AB + C + 1 CA B + C + A1 AB C + A+V + 1 कहीं कोई खतरे की बात नहीं है, एक लाइन आगे बढ़ा दो तो इसी को 1/2 BC और इसको लिख देंगे AB + AC और 1 इसको लिख देंगे CA BC + BA 1 इसको AB और CA + BC और 1। ध्यान से देखो इसमें हम संक्रिया का प्रयोग कर दें, तो संक्रिया कौन सी प्रयोग कर दें, ये कर दो C2 get C2 + C1, ठीक है, C2 पे C1 को जोड़ दें, तो del 1/2 BC CA और AB यहाँ क्या हो जाएगा AB + BC + CA, आप देखते रहो AB + BC + CA, जब आप इसको जोड़ोगे इसमें यही आएगा, आप कहीं से भी देख लो AB BC + CA और सॉरी और यहाँ कितना आएगा 1 1 1 आ गया। C2 से AB + BC + CA कॉमन लेने पर, तो कॉमन लेंगे तो del 1/2 AB + BC + CA कॉमन आ गया, तो AB CA और AB 1 1 1 1 1 1 यहाँ 1 1 आ जाएगा, अर्थात क्या लिखेंगे C2 व C3 कैसे हैं, समान गुणधर्म तीन से सब प्रयोग होता है, इसलिए क्या लिखेंगे del 1/2 0। ठीक है, C2 व C3 कैसे हो गए, सर्वसम हो गए, समान हो गए, अर्थात गुणधर्म नंबर तीन से इसका प्रयोग कर दिया, तो इस सारे का मान 0 हो जाएगा, तो पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख दें, गुणधर्म तीन से क्या लिखेंगे, यहाँ जगह कम है थोड़ी, इसलिए मैंने लिखा था del 1/2 AB + BC + CA और (0), तो del 1/2 0 ऐसे लिख दो। ठीक है भाई, देखना भाई आ रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ तक देखें कंप्लीटली, आपको फिर से समझा दें एक बार,
एक बार फिर से समझा दूं मैं कि किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पर देखो एक्स अननोन है, कैसा है अननोन, तो हमने तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध लिया जीरो के बराबर, जीरो के बराबर लिखा, प्रसरण किया आर वन के अंदर, प्रसरण कर दिया, प्रसरण करने के बाद एक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर जब वो कहता है तीन बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में रखा। अब यहाँ पे तुम कहोगे सर आप तो कह रहे प्रसरण करेंगे, आवश्यकता के अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं हम वैसा ही करते हैं। अब अगर हम यहाँ घटाने जोड़ने का काम ना करें सीधे प्रसरण कर दें तो बहुत ढेर सा लग जाएगा, तो हमें दिख रहा है अगर हम इसको इसमें जोड़ दें और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ जाएगा तो वहाँ वन 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 बन जाएंगे, गुणधर्म नंबर तीन का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, ये गुणधर्म चार हो गया कॉमन लेने वाला, ये गुणधर्म तीन व चार, यहाँ लिख दो गुणधर्म चार के भी प्रयोग से, चार का प्रयोग क्या है कॉमन ले लिया और तीन का प्रयोग क्या है ये सी टू और सी थ्री सर्वसम हो गए, इसलिए साढ़े का मान शून्य होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि दिए गए बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। तो ये हमने आपको उदाहरण नंबर आठ तक बता दिया, अभी मैं आपको एक उदाहरण और बताने जा रहा हूँ जो कि उदाहरण नंबर नौ है। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। ये देखिए नवा क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को, थोड़ा अलग है, इम्पोर्टेंट भी हम कह सकते हैं, तीन नंबर के लिए सही क्वेश्चन है। दो बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, तथा के का मान, तथा के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दो वर्ग इकाई है जबकि सी के कोमा जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना रेखा ए बी पर एक बिंदु पी, वही सूत्र, एक बिंदु पी एक्स कोमा वाई इस प्रकार है कि पी ए बी संरेखीय है, संरेखीय हो, ठीक है, तो संरेखीय हो तो सूत्र वही लगेगा, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन और एक्स वाई वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हो गया। अब इसका मान रख दो तो चार तीन एक माइनस फाइव टू वन और एक्स वाई वन इज इक्वल टू जीरो, आर वन के अनुदेश प्रसरण करने पर कर दो तो फोर और ये टू माइनस वाई माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एक्स प्लस वन माइनस के फाइव वाई और माइनस के 2x इज इक्व टू जीरो, आठ माइनस चार वाई प्लस पंद्रह और प्लस 3x माइनस पाँच वाई माइनस 2x इज इक्व टू जीरो। यहाँ से देखेंगे माइनस के 4y माइनस के 5y कितने हो जाएंगे, माइनस के 9y ये हो जाएंगे, माइनस के प्लस के 3x तो प्लस के x बचेंगे और 8, 15, 23 और प्लस के 23 इज इक्वल टू जीरो, या उधर जाएंगे तो 9y माइनस एक्स माइनस 23 इज इक्वल टू जीरो, या हम यूं कह सकते हैं x माइनस 9y इज इक्वल टू 23। जो रेखा का अभीष्ट समीकरण है। ओके, ये तो आ गया, देख लो x माइनस 9y प्लस 23, एक्स माइनस 9y, हाँ ये प्लस 23 होगा, सही है, बिल्कुल होगा, देखो x माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक है, x माइनस 9y प्लस के 23 इज इक्वल टू जीरो, जो रेखा का अभिसरण। अब उसने क्या कहा, रेखा का समीकरण आ गया, तो उसने कहा यदि त्रिभुज का, तो चूंकि दिया है, उन्हें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या दिया है, प्लस माइनस दो, क्योंकि उसने कहा दो वर्ग इकाई है, तो क्षेत्रफल हमेशा दोनों लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि के दो मान हो सकते हैं, तो ए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, वन अपॉन टू एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन और एक्स थ्री वाई थ्री वन,
इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू रखेंगे तो 1/2 एक्स वन क्या हो गया 4, 3, 1 माइनस 5, 2, 1 और के और 0 और 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, के 0, 1 बिल्कुल राइट है। यहाँ से 1/2 को हम उधर भेज सकते हैं, तो 4, 3, 1 माइनस 5, 2, 1 के 0, 1 ये इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4। अब क्या करेंगे, प्रसरण वही R1 के अंदर इस प्रसरण कर दें, प्रसरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और ये 2 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 5 माइनस के और प्लस 1 ये आ जाएगा 0 माइनस 2 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, 4 × 2 = 8, 3 × 5 = 15 और प्लस के 3 के और माइनस के 2 के प्लस माइनस 4। ओके, तो 15 और 8 = 23 और ये हो जाएगा प्लस के और प्लस बराबर प्लस माइनस 4। धनात्मक चिन्ह लेने, धन चिन्ह लेने पर दो उत्तर आएंगे, तो 23 + k = 4 तो k = 4 − 23 − 19 के बराबर कितना आ गया जब, और नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 23 + k = −4 तो k = −4 − 23 − 27 तो k = −27। तो इस तरीके से दो वैल्यू आएंगी। ठीक है ना, बढ़िया शानदार सवाल है ये, बिल्कुल मन की बात है टीचर के। अभी जैसे पेपर आया 2018 में, उसने मन से पेपर बना दिया, ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं बनाया, तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार दिए, किताब से दिए, सब कुछ दिया, लेकिन पेपर की उसने ऐसे कर दिया, धज्जियाँ उड़ा दी। तो उस तरीके से भी पेपर बनाया जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन। कोई ये नहीं कह सकता कि कौन सा, इस बार प्रमेय आ गई है उसमें से, चैप्टर नंबर 1 में से, तो कोई नहीं कहा जा सकता कौन सा क्वेश्चन दे दे। तो आप फिर से समझ लें एक बार, ये माना रेखा ए बी पर एक बिंदु पी एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि पी ए बी संरेखीय है, संरेख का सूत्र लगा दिया, इसको मैंने हल कर दिया, ये हमारा समीकरण आ गया, रेखा का अभीष्ट समीकरण आ गया। इसके बाद पुनः क्या दिया, त्रिभुज उसने के सी के कॉमा 0 तीसरा बिंदु हो गया, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है, तो हमने लिख लिया, यहाँ पर वैल्यू रख दी और इसको R1 के अंदर स्पर्शण कर लिया, एक बार प्लस चिन्ह ले लिया और एक माइनस चिन्ह। ठीक है, ऐसे लिख लो, धन चिन्ह लेने पर शॉर्ट में और ये नेगेटिव चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे, इसको अभी नोट कर लेना। मैं आपको ले चलता हूं एक्सरसाइज, मैं केवल एक टॉपिक का काम कर रहा हूं, अभी दूसरे टॉपिक पर अभी घुसा नहीं हूं मैं। ठीक है, दूसरे टॉपिक पर अगले चैप्टर उसमें लेक्चर में आऊंगा। तो एक्सरसाइज 5.2 सभी बच्चे निकाल लेंगे, और देखो पहले सवाल में दे रहा है सारणिक का प्रयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न हैं। अभी अभी सिखाया मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 x1y11 x2y21 x3y31। दूसरे सवाल में सारणिक का प्रयोग करके शीर्ष त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या दिए गए बिंदु संरेख, अगर 0 से 2 जाए तो लिख देना संरेख है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तीसरे में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, इसको प्लस माइनस 35 लिख लेना और के का मान ज्ञात करना होगा, इसी तरीके से आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, बस चौथे क्वेश्चन में संक्रिया का शायद प्रयोग अगर कर लिया या प्रसरण का कर लिया तो आ जाएगा, और ये मैं अभी करा ही चुका हूँ। पाँचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अभी अभी कराया इससे पहले संरेख वाला, और 6वां क्वेश्चन उदाहरण नंबर यही रखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम ये रहा। ठीक है, तो आपके 6 प्रश्न हैं, मैंने आपको 3 मेथड 4 मेथड जो भी थे वो हमने आज आपको सिखा दिए। इन मेथड्स में आज आपके 5.2 के एक्सरसाइज में लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, बहुत ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, जो मैंने आज पढ़ाया है उसको आप साथ के साथ काम करते चलें तो बेहतर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें या हमें व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। ठीक है भाई, व्हाट्सअप नंबर सबको पता है ऑलरेडी, है ना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है
8385821004। आप इस नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। कोई क्वेश्चन में दिक्कत है कहीं भी आ रही हो तो आप हमसे, जब भी मुझे टाइम होगा, आप तो क्वेश्चन लिख के अपना नाम और कहाँ के हैं ये लिख के भेज दें, ठीक है। बाकी मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, मना कभी नहीं है। बस ये हो सकता है कि आपने भेजा, हम उस टाइम नहीं करें, जब हमें टाइम मिलेगा जब हम आपका क्वेश्चन का आंसर अवश्य ही दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स के अंदर, ठीक है भाई। क्योंकि हो सकता है उस समय मैं आपका मैसेज ना पढ़ूं, तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन की क्वेरी है, पीछे कोई क्वेश्चन की क्वेरी है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में क्या होता है, कमेंट बॉक्स ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ मैं, लेकिन व्हाट्सअप नंबर पर भेजेंगे तो ज़रूर देखूँगा। तो आज का प्रोग्राम यहीं तक है, आज तक मैंने आपको जो पढ़ा दिया उसको आज तैयार करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।